हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लीड स्क्रू और बाल स्क्रू के बारे में बात करेंगे कि दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है और कहाँ यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लीड स्क्रू के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, जैसे कि लेथ मशीनें हैं, चाहे वो वर्टिकल बोरर टाइप की मशीनें हों, हॉरिजेंटल बोरर टाइप की मशीनें हों, जो कन्वेंशनल मशीनें होती हैं। कन्वेंशनल मतलब कि जिसमें टोटली एक तरह से एक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी होती है, या यूँ कहें उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत कम होता है। तो ऐसी जगहों पे जो है, आपको जो पुरानी जो मशीनें आया करती थी उनको जो है हम लोग कन्वेंशनल मशीनें बोलते हैं। तो आप देखेंगे उसमें जो लीनियर मूवमेंट के लिए, चाहे उसके रैम को अप डाउन कराना हो, चाहे उसकी जो है जो पूरा का पूरा जो है क्रॉस रेल वगैरह है उसके मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे अगर आप लेथ मशीन में देखेंगे जो एक लीड स्क्रू होता है जिसपे जो कि हम थ्रेडिंग के टाइम पे पूरे टूल पोस्ट को जो है कैरेज असेंबली के साथ मूवमेंट कराते हैं, तो ऐसी जगहों पे आप देखेंगे वो जो है एक जो स्क्रू होता है वो लीड स्क्रू होता है। उस पे उसकी जो पहचान होती है आप देखेंगे उस पे, तो उसमें जो थ्रेड कटा होता है, एक में थ्रेड होता है, कहीं स्क्वायर थ्रेड होता है, तो वो जो है पुरानी कन्वेंशनल मशीनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लीड स्क्रू होते हैं इसके ऊपर जो है आप देखेंगे तो एक जिस नट के पे जो है जिस पार्ट को मूवमेंट कराना होता है तो उसके उस लीड स्क्रू पे जो है वो जो नट चढ़ा होता है, जिसको कि हम बॉक्स नट के भी नाम से जानते हैं, तो वो बॉक्स नट असेंबली का जो फ्लेंज होता है वो हमारे जिस पार्ट्स को मूव कराना है उस बॉडी के साथ में अटैच होता है। और दूसरा जो हमारा लीड स्क्रू होता है उसके जो उसका ड्राइवर जो है, जहाँ से उसको पावर मिल रही है मोटर, वहाँ से वो अटैच होता है, या किसी गियर बॉक्स से वो अटैच होता है। तो इस तरह से दोनों में जब रिलेटिव मोशन होती है तो हमको जो है एक लीनियर मूवमेंट हमको मिलता है। तो जो पुरानी जो है कन्वेंशनल मशीनें हुआ करती थी वहां पे जो है हम देखेंगे कि मैक्सिमम लीड स्क्रू ही होता है, लगा होता है। लेकिन जो आजकल जो एडवांस मशीनें आ रही हैं, जो सीएनसी मशीनें आ रही हैं, वहां पे जिसमें बहुत सारे एक्सिस होते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, बहुत सारे जो एक्सिस होते हैं, उन एक्सिस के मूवमेंट के लिए आप देखेंगे तो वहां पे भी इस तरह का इक्विपमेंट होता है, इस तरह का जो है स्क्रू देखने को आपको मिलेगा। बट दोनों में एक डिफरेंस होगा। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बॉल स्क्रू होता है। अब बॉल स्क्रू क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि जैसे हम लीड स्क्रू की जब हम बात कर रहे थे तो लीड स्क्रू में जो मूवमेंट होता है वो बॉक्स नट की वजह से, मतलब बॉक्स नट से जो मूव कराना है जिस पार्ट्स को, वो उसके साथ अटैच होता है। और सेम जैसे हमारे लीड स्क्रू में थ्रेड कटा होता है, चूड़ी जिस तरह से हमारे लीड स्क्रू में कटी होती है, वैसे ही थ्रेड उसके मैचिंग का जो है थ्रेड जो है हम देखते हैं कि बॉक्स नट के अंदर भी जो है उसके आईडी में भी थ्रेड कटा होता है। बट जो बॉल स्क्रू होता है, आप अगर बॉल स्क्रू को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो उसकी थ्रेड होती है ना ही एक में होती है ना स्क्वायर होती है। आप उनके जो थ्रेड का शेप देखेंगे तो हाफ राउंड टाइप में, कर्व में, हाफ राउंड शेप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और उसपे जो मूवमेंट के लिए जो हम नट यूज करते हैं उसको हम बाल नट के नाम से जानते हैं। बाल नट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि उसमें अंदर जो है ऐसा कोई थ्रेड नहीं कटा होता है। उसके अंदर आप देखेंगे तो कंप्लीट जो असेंबली होती है नट की, उसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे जो है बेयरिंग के जैसे बॉल्स होते हैं, बॉल्स भरे होते हैं। और ज्यों ज्यों उसको आगे मूव करना होता है वो बॉल जो है एक एंड पे जो है इंटर होते हैं, दूसरे एंड से जो है वो आउट होते रहते हैं। तो एक साइकिल में जो है बॉल के जो है हेल्प से वो चलते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सोचें कि दो जगह पे एक थ्रेड मैच हो रही है और यहाँ पे बॉल मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो बॉल का जो पॉइंट है वो बहुत कम कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से वहां पे वो बहुत स्मूथ चलता है और वो जो है टोटली जो है आप देखेंगे तो वो बॉल स्क्रू वो प्रॉपर उसमें लुब्रिकेशन की बहुत अच्छी जो है मतलब उसमें व्यवस्था होती है। तो जो हमारा बॉल नट है वो अगर हम देखें लीड स्क्रू की अपेक्षा कहीं ज्यादा इफिशियंट होता है, कहीं ज्यादा स्मूथ होता है और बहुत ही ज्यादा अकूरेट होता है। आपका जो लीड स्क्रू होता है इसकी जो इफिशियंसी होती है 20-86% तक होती है, जबकि वहीं पे आप देखेंगे जो हमारा बॉल स्क्रू और बॉल नट का जो है जहां पे हम वो इस तरह का मूवमेंट का ड्राइव देते हैं, इसकी इफिशियंसी 96% तक होती है।
तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और आज की डेट में जो भी रोबोटिक सिस्टम में हर जगह पे जो है मैक्सिमम मशीनें आजकल सीएनसी आ रही हैं, और वहाँ पे जो हमारे एक्सिस मूवमेंट होते हैं वहाँ पे हम जो है लीड स्क्रू की बजाय अब सारे सीएनसी मशीनों में हम लोग जो है देखेंगे कि हम जो है वॉलनट और बॉल स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। और फायदे की बात करें तो फायदा यही है कि हमारा जो बॉल नट और बॉल स्क्रू होता है इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर इसमें आपको कोई लीनियर मूवमेंट कराना है तो उस पर्टिकुलर जो है जो भी हमारा पोर्शन जिसको मूवमेंट कराना है आप देखेंगे इसमें जो है माइक्रोन लेवल में यानी 0.02 का भी अगर आपको मूवमेंट देना है, 0.01 का भी अगर आपको मूवमेंट देना है तो आप जो है बॉल नट और बॉल स्क्रू की हेल्प से आप यहाँ पे दे पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लीड स्क्रू में देखेंगे तो इस लेवल की एक्यूरेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री रिलेटेड जो है टेक्निकल वीडियोज लाता रहता हूँ आप सबके लिए। तो सो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।